अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप इस्लाम कर दो। अस्सलामुअलैकुम। हरीश, आप आज बहुत हैप्पी हो, खैर तो है? स्कूल नहीं गए ना, इसलिए हैप्पी हो? नहीं तो तो बाहर बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी इतनी नहीं हो रही, हवा भी चल रही है, लेकिन कभी सूरज तेज आ जाता है, तेज निकल आता है, बादल आ जाते हैं। तो आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू अवर फैमिली व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने प्लान किया है कि क्यों ना वो जो आजकल बहुत वायरल हुए हैं ना, ब्रेड के गुलाब जामुन, काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे बनाए, मैं, हरम और मरियम। तो आज मैंने कहा चलो, हरम भी कह रही थी कि मामा बनाए, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं टीचर से तो इसलिए खामोशी है। ये एक गंदा बच्चा इधर घूम फिर रहा है बस। स्ट्रॉन्ग मैन आ रही थी, स्ट्रॉन्ग मैन गुलाब जामुन खाने हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर लिक्विड मिल्क, शुगर, पाउडर मिल्क और थोड़े से पिस्ते बादाम शदाम भी हैं। तो मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, तो कोशिश करते हैं कि कैसे, देखते हैं कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये स्लाइस है मेरे पास, ब्रेड स्लाइसेस, इनके मैं कॉर्नर्स निकाल देती हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से हाथ चलाएंगे। एक कितने कितने पीसेस का बनाए मरियम? मरियम को क्या पता, मेरे ख्याल से 6 बहुत हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे, 6 के बना लेते हैं। तो ये मैं काट के फिर आती हूँ बाकी सारे। सो फ्रेंड्स, मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए हैं, 6 ब्रेड लिए हैं और इनको मैं अब छोटे छोटे पीसेस करके इस बॉल में डाल देती हूँ, बिल्कुल छोटे पीसेस। ये देखो, हारिस कहाँ गया है? मरियम वॉशरूम गया है। ओके, और ये सारे मैंने पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये लिक्विड मिल्क, ताकि इसको आटे की तरह गूंद लें। अभी थोड़ा डालती हूँ, फिर बाद में देखते हैं। चलो, हाथ मैंने धो लिए थे बिल्कुल साफ सुथरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो हारिस, ये तो थोड़ा सा ही है मरियम। तो ये देखें, बॉल काफ़ी बड़ा है, ब्रेड का थोड़ी सी है, थोड़ा सा इसमें मैं मिल्क और ऐड करूँगी क्योंकि अभी ये सॉफ्ट नहीं हुआ। और मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबलस्पून घी, देसी घी, ये लो। अच्छा, और मैंने देखा था कि एक वीडियो में थोड़ा सा वो मिल्क पाउडर भी ऐड कर रही थी, इसका टेस्ट थोड़े से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हारिस बेटे, शोर नहीं करो। तो मैंने इसको गूंद लिया है ब्रेड को, छोटे बाउल में मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ थोड़ी देर ना, ये पड़ा रहेगा तो सही से मुझे लग रहा है सेट हो जाएगा। तो ये वाला बॉल धोने के लिए रख देते हैं, हैंड भी मैं वॉश कर लेती हूँ अपने, और ये दूध अभी इधर ही रहने दो, अगर ये सख्त हुआ तो इसमें और दूध ऐड कर दूंगी। मम्मा अब क्या कर रही हैं? मैं कुछ बना रही हूँ आपके लिए जो आपको पसंद है, गैस करो क्या बना रही हूँ। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। आप लोग टीचर से छोड़ के इधर आ गए हो जी? आंटी आ गई क्राइम पार्क पे। हाथ नहीं लगाना गंदे। नो, धो लेती हूँ ना। धोने भी नहीं है, अभी मैंने सेट होने के लिए रखा है। देखो सही है, हरम ब्रेड का डो ईस्ट नहीं है, ब्रेड है ईस्ट। नहीं तो फिर हमने सेट, बेस्ट है ये, बेस्ट। हाँ, हमने सेट क्यों नहीं रखा है? वो फूलेगा क्या? मे बी अभी सेट हो जाएगा ना बिल्कुल, फिर इसके बॉल्स बनाने हैं छोटे छोटे। मैं बनाऊंगी वो पेंटिंग किस खुशी में आपने करी है? पढ़ो जाके हारिस, अपना होमवर्क करो। इब्राहिम टेबल पे नहीं चढ़ा करो। चलो हरम, अब आप लोग जाओ प्लीज, शोर नहीं करो। तो जब तक ये सेट होता है ना, मैं यहाँ पर वो बना लेती हूँ सिरप, जो सिरप होता है मतलब चाशनी कहते हैं, चाशनी। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 कप पानी,
और इसमें मैं डालूंगी हाफ कप ऑफ शुगर, बहुत है इतनी। और इसमें मैं डाल देती हूँ इलायची थोड़ी सी, ये देखें, ताकि इसमें इलायची का टेस्ट भी आ जाए। और अब ऑन करते हैं गैस। जब तक ये बन जाएगा ना इसका सिरप, इसे मैंने पानी डाला है, चीनी डाली है और थोड़ी सी इलायची डाली है। मुझे लग रहा है चीनी थोड़ी कम है और पानी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा पानी तीन चीनी ना इसमें और डाल देते हैं। फिर मैं थोड़ा चख भी लूँगी इसको। तो ये चीनी वाले पानी को बॉयल आ गया है और जब तक ये स्टिकी स्टिकी हो जाएगा ना, चिपचिप हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, जब तक इसको मैं अभी पकाऊंगी। हाँ नहीं, ये बस नहीं चाहिए। और यहाँ पे बनाई है चाय, कुरान पाक वाली आंटी आई है, वो कह रही थी मुझे आज चाय पिला दो, दूध नहीं पीना उनको, वैसे हम दूध देते हैं, आज कह रही थी मेरा स्टमक थोड़ा अपसेट है तो चाय बना दो, उनके लिए बनाई है चाय। मतलब ये डाल के आंटी को दे, बन गई है चाय बेटे। सो फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये रेडी हो गया है, सो शायद बाद में और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ एक दूसरे बॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम बहुत है, ये देखो कलर भी थोड़ा आ गया हुआ है और थोड़ी देर ये ठंडा भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था, तो ये मुझे लग रहा है सेट हो गया हुआ है। इसके मैं बना लेती हूँ छोटे छोटे बॉल्स। हारिस कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आजो आ रहा हूँ। कहाँ? कहाँ? जल्दी से आ जाना, फिर ग्रिल पे ना खड़े होना। मरियम, इतना बहुत है, छोटा बड़ा जी सही है, इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है गुलाब जामुन। अभी छोटा बनाती हूँ। ये देखो जी, कितने बनाऊँ? तुमने कितने खाने हैं? चलो मरियम खा लेगी कोई 6-7। और ये हारिस अपनी बबल्स, हारिस ये अपनी बबल गन यहाँ क्यों रख के गए हो बेटे? पारी जी? ये क्यों यहाँ पे रख के गए हो बबल गन? और आप सोप नहीं लेके आए हो शॉप से? लेने आप कुछ और जाते हो, ले कुछ और आते हो, दिखाओ कौन सा लेकर आए हो। स्किन वाइट, वाह ये तो गर्ल्स का है। इससे आपकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। तो कितने बन गए हम? कितने बना लिए? 1, 2, 3, 4, 5 मैंने बना लिए हैं। और अभी लेकिन मैं ना इनको सेट होने दूंगी, फिर फ्राई करूंगी, मुझे बस डर लग रहा है कि ये कहीं टूट ही ना जाए। तो जी सारे गुलाब जामुन तो नहीं बने, और ये सिर्फ बॉल्स बन चुके हैं, और ये 5-10 मिनट इनको सेट करने के लिए रखती हूँ, उसके बाद फिर इनको फ्राई करूँगी जब तक थोड़ा सा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने रखा है ऑयल गर्म करने के लिए, क्योंकि ये डीप फ्राई होंगे तो पैन में ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, जब तक ऑयल गर्म हो जाएगा। ऑयल गर्म हो गया है, मैं अब ये बॉल्स इसमें डाल देती हूँ, और मेरे ख्याल से सारे एक दफ़ा में डाल देते हैं। अरे ऑयल बहुत गर्म है, और मेरी दुआ है कि ये टूटे ना, टूटेंगे तो फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी, चलो। तो अभी मैंने इनको हिलाया जुलाया नहीं है ज़्यादा, सो वैसे माशाल्लाह से टूटे नहीं हैं, शुक्र है। बस जब तक कलर आ जाएगा
ब्राउन सा कलर जैसे गुलाब जामुन का कलर होता है। जब तक इसको मैं फ्राई करूँगी, मैंने आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की है, अंदर से कच्चे ना रह जाएं, है तो ब्रेड ही, इसको क्या गलाना। चलो ये जब तक फ्राई होते हैं ना, मैं ज़रा हारिस को देखूँ ये कोई गड़बड़ कर रहा है ज़रूर। पारी क्या कर रहे हो? पारी पटारी ये कहाँ से आई है इतनी सारी डायरीज, और क्या खेल रहे हो आप? बहना का यूनिफॉर्म नहीं ख़राब करना, अभी मैंने प्रेस करके रखा है। ओके, बस स्कूल पहन के जाना है ना हर महीना ने। जी बन गए, हाँ बन गए, खा लो। अभी इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, अभी अब ये फ्राई हो जाएंगे, फिर इसको सिरप में डिप करके रखना है 2 घंटे। नहीं अभी ये देखो फ्राई कर रही है, तो कलर आना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा कलर आ रहा है। अभी इनको और डार्क हो लेने देती हूँ। तो मुझे लग रहा है बस इतना कलर सही है, मैंने सही है कलर, फिर और डार्क करूँ। हैं फ्रेंड्स, आप बताएं इतना कलर सही है कि नहीं, और डार्क करने चाहिए? मुझे तो लग रहा सही है, ज़्यादा काले ना हो जाएं। इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, जल्दी जल्दी आ जाओ, जलना जाना ऐसे। और अगर ये अच्छे बनेंगे ना, तो फिर बच्चों को घर में ही बना के दिया करूँगी, अगर बच्चों को पसंद आ गए। सो फ्रेंड, ये है सिरप जो हमने बनाया था, अभी गर्म ही है, ठंडे सिरप में मेरे ख्याल से नहीं डालने चाहिए। और ये है हमारे बॉल्स, और इनको मैं डाल देती हूँ सिरप में। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 और ये टोटल बने हैं 16, पूरे 16 बन गए हैं। और इनके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ ये बादाम पिस्ते, ताकि खाने का मज़ा दोबारा हो जाए। और अब इसको 2 से 2.5-3 घंटे इसको ना मैं बस ऐसे ही रख दूँगी कवर करके, ताकि सिरप जो है अंदर अच्छे से सोख हो जाए, गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाए। और कोई एक आध बीच में है जिसका कलर ना थोड़ा सा, कलर बस इसका बैलेंस नहीं है, किसी का ज़्यादा है किसी का हल्का है। सो एनीवेज, फर्स्ट टाइम बनाया है, ऊँच नीच तो हो जाती है। इसको मैं बस अब कवर करके रख दूँगी जब तक बाकी, जब तक ये सॉफ्ट हो जाए, मीठे भी हो जाए। गुलाब, मम्मा बन गए गुलाब जामुन। जामुन, गुलाब जामुन क्या होता है? जामुन, जामुन, गुलाब जामुन। हरिस क्या होता है? गुलाब जामुन। किसने किसने खाना है, रेज योर हैंड। मैंने नहीं खाना, इसके अंदर बादाम है इसलिए। ये देखो, वाओ, यम्मी सा गुलाब जामुन। इब्राहिम खा के देखो कैसा, फिर मुझे बताना कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजे का है, पूरा खाओ ना, इतनी सी बाइट से क्या होता है। अच्छा है, मजे का है ना। हर साहब आपको खिलाऊं एक बाइट, क्यों ड्रा में ना करो। इब्राहिम आओ, ये लो मैं खिलाऊं आपको। ये हुई ना बात, अच्छा नहीं है? सच सच बताओ, अच्छा है ना? जैसे गुलाब जामुन होते हैं वैसा ही है ना? बिल्कुल परफेक्ट है, टेस्ट में तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो गया। हरम को भी खिला के आते हैं, हरम को और हम, पापा नीचे हैं, पापा को खिलाएं। बाबा जाने पंजाब गए, हमें पता है बाबा जाने पंजाब गए। हरम आपने खाया ही नहीं यार, ये लो मैं आपके लिए लाई हूँ। हमजा आप खा लो गुलाब जामुन, उठ के बैठो। you know, I love gulab jamun. अभी आपने क्या पिया है, शेक पिया है ना? हाफ आप खा लो, हाफ हमजा खा लेगा। yeah.
ड्रामे ड्रामे करिए बंदा तैयार ठंडा होके और ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब खाई भी जा रही हो हमसा, आप भी एक बाइट लेके देखो हमसा प्लीज। मम्मा ने बनाया है गुलाब जामुन बनाया था। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने गुलाब जामुन खा लिया, बस 3-4 बचे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमने बहुत अच्छा से गुलाब जामुन बताया था। कितनी दफा बोलोगे अब ये बात? हमने बहुत अच्छा बताया था। अल्लाह हाफिज कर दो। मम्मा हमने बहुत अच्छा बताया था। अल्लाह हाफिज कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें सैंडी व्लॉग्स का सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हारे। सो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो।